हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 63 हल करेंगे। दक्षता है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 1198 प्रतियाँ छपती हैं, प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। देखो, प्रतिदिन समाचार पत्र छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, प्रतियां कितनी हैं 1198, तो कुल कितने पृष्ठ होंगे, इनको इंच गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कुल पृष्ठ बराबर 1198 प्रतियां हैं और प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे। अब देखो, गुणा करने के लिए 1198 को गुणा करेंगे 12 से, 8 × 2 = 16 का 6 हासिल की 1, 9 × 2 = 18 और 1 × 19 = 9 हासिल की 1, 2 × 2 = 3, 8, 9, 6, 17 = 7 हासिल की 1, 9 × 1 = 10 हासिल, 9 और 1 हासिल की 10, 10 और 3 = 13 हासिल की 1, 3 और 1 = 4। देखो 14376 पृष्ठ हो गए। दूसरा है, एक मशीन औसतन एक दिन में 3825 पेज बनाती है, जनवरी 23 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, तो कुल पेज बनाए बराबर 3825 एक दिन में बनाती है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 को गुणा करेंगे इससे। अब देखो 3825 को 31 से गुणा करेंगे हम, पाँच तीय 15 = 5 हासिल की 1, 3 × 2 = 6 और 1 हासिल की 7, 8 तीय 24 = 4 हासिल की 2, 3 तीय 9 और 2 हासिल की 11। देखो 118575 पेज, इसको अलग से गुणा कर लेंगे रफ कॉपी में। तीसरा है, एक विद्यार्थी ने 5236 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, तो कितने अधिक से गुणा किया उसने, 9 ज़्यादा से, 45 से करना था 54 से कर दिया, 9 ज़्यादा से कर दिया, तो अधिक कितना अधिक है बराबर। अब देखो 5237 को गुणा किया उसने, 45 से करना था और 54 से कर दिया, तो 54 में से 45 घटा देंगे हम, 9 बच गया, तो 9 से गुणा करेंगे हम। अब देखो 9 × 54 = 4 हासिल की 5, 9 × 3 = 27 और 5 = 32 हासिल की 3, 9 × 2 = 18 और 3 = 21 हासिल की 2, 9 × 5 = 45 और 2 = 47 इतना अधिक है। अगला है 4 का, यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये हो तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा, तो किराया होगा बराबर, एक का 550 है तो 15 का गुणा कर देंगे इससे। अब इसको गुणा करेंगे, 55 को 15 से करेंगे, शून्य बाद में लगा देंगे, 25 को 5 हासिल की 2, 25 और 2 = 27, 5 × 5 = 7 और 5 = 12 हासिल की 1, 5 और 2 = 7 और 1 = 8, 825 और 1 = 0, देखो 8250 रुपये हो गया किराया। अगला है 5 का, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 6000 शीट उपलब्ध हैं और प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, बताइए उन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। देखो 6000 सीट हैं और एक सीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, तो इनसे कुल कितने पृष्ठ बनेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 6000 को 8 से हम गुणा करेंगे, तो
पृष्ठ बनेंगे बराबर 6000। एक सीट से 8 बनते हैं तो 6000 सीट से कितने बनेंगे, 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 6 48 और 3 0 है, 48000 पृष्ठ बनेंगे। ये हो गया 48000 पृष्ठ। अगला है छठवां सवाल। एक विद्यालय में 335 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए तो बताओ कुल कितने रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए। तो यहाँ लिखेंगे कुल रुपये वितरित किए गए बराबर, अब देखो 335 विद्यार्थी हैं और एक को मिलते हैं 1250, तो 335 को इससे गुणा करेंगे। अब गुणा करने के लिए इसको अलग से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 125 को 335 से हम गुणा करेंगे। अब देखो ये हो गया 5 7 8 हासिल किए, एक ये हो गया 41875 रुपये वितरित किए जाएंगे। देखो इसको 125 को हमने क्या कर दिया, 335 से गुणा कर दिया, इसमें देखो एक शून्य हो रहा है, ये शून्य और लगेगी, 418750 रुपये वितरित होंगे टोटल। तो ये था कार्यपत्रक 63। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आपको ऐसे ही अगले वीडियो में हमें सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू।